स्टार्ट। रुक जाओ, लगातार ताबड़तोड़ डकैतियों की घटना से जिला सीतामढ़ी दहल चुका हुआ है। जी हां, इस वक्त द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज की टीम सहियारा थाना क्षेत्र के एक ऐसे गांव में है जहां पर आज रात सिंगरैया में तीसरी डकैती हुई। परसों की रात तीसरी डकैती, ताबड़तोड़ डकैतियां। पुलिस को मानो डकैतों ने चूहा बना दिया और डकैत बिल्ली बन गए। जी हां, चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। ये जिला सीतामढ़ी है। अभी अभी भारत के प्रधानमंत्री पद का चुनाव हुआ है, इलेक्शन हुआ है, सारे नेता वोट मांगने आए। लोगों ने कहा मैं तुम्हें सेफ्टी दूंगा, लोगों ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा अधिकार दूंगा, लोगों ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारा विकास दूंगा, लोगों ने कहा मैं तुम्हारे घर तक सड़कें पहुंचाऊंगा। तमाम तरह के प्रत्याशी यहां तक आते हैं, सब कुछ होता है। चुनाव और नॉमिनेशन से पहले जो डकैती की घटना शुरू हुई थी सीतामढ़ी जिला में, वो लगातार दिन ब दिन बदस्तूर जारी है। यहाँ पर एक घर, ये सामने ये एक मकान है जहां डकैती होती है, यहाँ सामने दूसरा घर, यहाँ डकैती होती है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम आपको लेकर जाए तो कहां जाए। ये इन दोनों मकान में पिछले 27 अप्रैल की रात और सुबह में डकैती होती है। अभी परसों इसी गांव के सिंगरैया में एक आदमी के घर में डकैती होती है, उसके सर में गोली मार दी जाता है। इन तमाम डकैतियों में जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि अब तक जितनी भी डकैती हुई है वो लगभग भूमिहार जाति के लोगों के घर में डकैतियां हुई है। मैं आपको बताऊं कि सिंगरैया में जो तीन परिवार है, एक ये परिवार, एक सामने वाला परिवार, दूसरा जिसके यहाँ परसों डकैती हुई है, ये तीनों भूमिहार जाति से आते हैं। उससे पहले बन गांव में डकैतियां हुई, वो दो राजपूत जाति के उच्च वर्ग के लोग के यहाँ डकैतियां हुई। उसके बाद एक और बाजितपुर में डकैती हुई, बम्बम मेडिकल में, वो भी जाति से भूमिहार आते हैं। एक और डकैती कहाँ हुई थी? रधार मोर, वहां भी भूमिहार जाति के लोग होते हैं। एक डकैती बरियारपुर में एक मुस्लिम समाज का व्यक्ति था, डॉक्टर साहब, उसके यहाँ हुई थी। आखिर ये डकैत है कौन? आखिर इन डकैतों ने सीतामढ़ी पुलिस को चूहा कैसे बना दिया है? हालांकि आज सीतामढ़ी एसपी की अगुवाई में पूरे जिला की टीम बैठी हुई थी। क्या इनका बैठना ये सिर्फ खेल है, नाम मात्र का है? इन पुलिस वालों की हिम्मत नहीं कि भैया ये लोग चूहे बन करके बिल्ली के गले में घंटी कौन बानेगा? हम लोगों ने बचपन में किताब पढ़ा था, बिल्ली आती थी तमाम चूहों को पकड़ के ले जाती थी। एक बार चूहों की मीटिंग हुई, कहा कि बिल्ली के गले में घंटी बांध दो, बिल्ली के आने से पहले मालूम हो जाएगा। तो बिल्ली के गले में घंटी, इट मींस कि वो 112 नंबर का पुलिस दस्ता, जिसके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ के लोग कहते हैं कि डकैती 2 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक होती रही, उसके बाद पुलिस को फोन किया, यहाँ पर पुलिस 9:00 पे आती है। मैं चलता हूँ उस घर में भी जहाँ डकैती हुई है अभी परसों। लेकिन फिलहाल ये डकैतियाँ लगातार हो क्यों रही है? ये 8 से 10, 12, 14 लोग, 20 से 25 साल के लोग, तमाम जगहों पर जो डकैती का स्टाइल है वो एक है, तमाम जगहों पर जो डकैती करने वाले लोग हैं जो उनका उम्र है वो एक है, तमाम जगहों पर जो डकैतियाँ होती हैं उसके जो मांगने का तरीका है, छीनने का तरीका है, लूटने का तरीका है, वो एक है। आइए मैं बताता हूँ आपको कि 27 अप्रैल की रात इस मकान में ये एक सिंगरैया का परिवार है, उमेश सिंह, राजदेव प्रसाद सिंह का ये मकान है और ये एक सुखी संपन्न परिवार है, यहाँ के लोग बाहर रहते हैं, ये गेट था। एक बात और है, जहां कहीं भी डकैती होती है, चाहे वो डकैती बरियापुर में हुई है डॉक्टर साहब के घर में, चाहे वो बम्बा मेडिकल में बाजीपुर में हुआ हो, पहले डकैत पीछे के रास्ते से घुसते हैं। अगर आपके इलाके में भी, आपके घर में भी अगर पीछे का रास्ता कमजोर है, जहां से आप किसी अनहोनी के मामले में आप घुसते या निकलते हैं, तो ऐसे में आप उस घर के पिछले दरवाजे को मजबूत करिए, क्योंकि डकैतों के पास इतना सा जो सामान है कि वो किसी भी तरीके से बाहर से, आप देखिए इतनी सेफ्टी के बाद भी
यहाँ से वो बाहर से हुक लगाते हैं और यही बार खड़े खड़े अंदर का जो कमर बल्ला होता है मोटा उसको तोड़ देते हैं, उसको निकालते हैं, अंदर का छिपकली गिरा देते हैं, वो अंदर घुस जाते हैं। और इस तरीके से डकैत 27 अप्रैल की रात वो यहाँ मौजूद रहता है। तो मैं आपको बताऊं कि लाइव ब्रॉडकास्ट में थोड़ी परेशानी होगी, इस घर में घुसते हैं, इस घर के लोगों को ये लोग लेते हैं, ये लोग अपने कमान पर लेते हैं और फिर उसके बाद इस घर के लोगों से गहने जेवरात सब वसूल लेते हैं। यहाँ पर आएंगे क्या हुआ था उस रात में, आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए, आप भी आ जाइए, जो महिला थी उनको बुला लीजिए, दो पेज पे अरमान सागर न्यूज पे और वॉइस ऑफ बिहार दोनों पे चल रही है खबर, आ गया, आ जाइए घर के अंदर, अंदर नहीं जा पा रहे हैं चूंकि लाइव ब्रॉडकास्ट जो है हमारे जो हम कर रहे हैं अभी सलमान सागर न्यूज पे भी चल रहा है और वॉइस ऑफ बिहार पे भी चल रहा है। ये घर के मालिक हैं, क्या नाम है और क्या हुआ था? रंजन कुमार है मेरा नाम, मेरी सब लोग परिवार जो सम्मिलित हैं वो हमारा सब जैसे मेरे चाचा हम लोग सब यहीं रहते हैं, लेकिन फिलहाल मेरे चाचा जो सिविल सर्जन थे और रिटायर्ड है अभी दूसरे जगह रहते हैं। हम शादी में आए हुए थे और करीब दस दिनों बाद ही हमारे घर में करीब रात के 2 बजे कितने तारीख को 27 तारीख के रात को करीब 2 बजे कुछ 10 से 15 लोग जो बगल के घर में भी डकैती हुई थी उनकी संख्या करीब 10 से 15 के ऊपर की रही होगी। हमारे घर में करीब 6-7 लोग घर के पीछे का दरवाज़ा तोड़ कर घुस जाते हैं और हम लोगों को बंधक बनाकर हमारे मोबाइल को तुरंत तोड़ देते हैं, घर के सारे विंडो को बंद कर देते हैं और सब लोगों को पता है कि कौन सा सामान कहाँ है क्योंकि सब लोग जो डकैत आए थे उनको मालूम था कि आपका सामान कहाँ रखा हुआ जी, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग जो है कोई मोबाइल चोर रहा है, कुछ लोग एकदम से जो जहाँ पे जेवर रखे हुए हैं पैसे रखे हुए हैं उन लोगों को निकाल रहा है। उनको पहले से इस बात का कोई ना कोई किसी ने खबर दिया हुआ है या पहले से उन लोगों ने देखा हुआ है, अंदाजा था वो लोग आए हैं, सबरा पिटाई भी की है बीच बीच में उन लोगों ने और बोल रहे थे कि अगर किसी हल्ला करोगे तो और ज़्यादा हम गोली चला देंगे। उन लोगों के पास 2 से 3 पिस्तौलें थी और एक तरफ से एक ने दूसरे तरफ से दूसरे ने हम लोगों के पैर हाथ बांध दिया और उसके बाद सर पे एक ने चाकू रख लिया और दो तरफ से बंदूक रख कर किसी भी तरह की आवाज़ करने पे मारपीट कर रहे थे। आपस में क्या बात कर रहे थे? आपस में बात कर रहे थे माल दे दो, कहाँ है माल, हम किसी को कुछ नहीं करेंगे, अगर किसी तरह की आवाज़ हुई तो जान से मार देंगे। और उसके बाद सारा जेवर वगैरह सारे जब मिल जाने के बाद वो बार बार पूछ रहा था कि हार कहाँ रखा है, हार कहाँ रखा है, हार बता दो। इट मीन्स कि आपके घर में कोई हार था जिसके बारे में उनको मालूम था? जी, मेरे पत्नी की एक हार है जो पहले से ही थी। कितना भारी था, कितने भर का रहा होगा? करीब 3-4 तोले की होगी वो। सुने जी, और वो शादी में एक ही एक फंक्शन होता है पूजा मटकोर उसमें ही वो पहनी हुई थी, उसमें भी पूरी तरीके से वो हार का जो ढकी हुई थी ठीक से पता नहीं चल रहा था। फिर भी उन चोरों को डकैतों को पता था इस बात का कि हार पहने हुआ है या किसी ने उसको बताया है। अच्छा, ये बताइए कि वो आपस में क्या बात कर रहे थे, आपस में उनका कोई कोड वर्ड क्या कोई बात कुछ ऐसी बात? जी नहीं, सब वही पूछ रहे थे आपस में कि बॉस कहाँ है, बॉस कुछ बोल रहा है उससे। क्या उनमें से किसी के पास मोबाइल था? नहीं, मोबाइल किसी के पास कोई मोबाइल मुझे नहीं दिखा। नहीं दिखा? नहीं। क्या लगता है आपकी उम्र में कभी आपके गांव में डकैती हुई थी? नहीं, बचपन में हम कभी तो सुना करते थे जब हम छोटे थे तब, लेकिन हमने कभी इस तरह की भीषण डकैती नहीं देखी। अपने गांव में देखा था क्या? नहीं देखा था। अब क्या लगता है, अब क्या डर ज्यादा हो गया है, भय हो गया है? डर बहुत ज्यादा हो गया है क्योंकि रात में करीब अभी क्या बताया, मेरी पत्नी अभी भी रात में विंडो वगैरह सब बंद करके सोती है इस डर के मारे कि कहीं विंडो से कोई चाकू छुरा तो छोड़िए बंदूक उनके पास है सीधा। नहीं रहते हैं अभी? नहीं, हम यहाँ से छोड़ के अभी बाहर रह रहे हैं। तो वहाँ भी डरी हुई है, जहाँ रहते वहाँ भी डर गई हुई है? जी, वहाँ भी डरी हुई है। पुलिस क्या कर रही है, पुलिस के बारे बता दूं? जी हाँ, सीतामढ़ी पुलिस इन डकैतों के सामने चूहा बन गई है, चूहा ताबड़तोड़ डकैतियां हो।
सीतामढ़ी के बाद पट्टी थाना क्षेत्र के बन गांव में डकैती हो, दो अलग अलग मकानों में दो अलग अलग दिन। जी हाँ, एक हिस्ट्री और है, जिस गांव में एक बार डकैती होती है उस गांव में दूसरे बार भी डकैती हो रही है। बन गांव में एक बार डकैती हुई, वह दूसरे बार भी हो गई। इस गांव में सयारा थाना क्षेत्र के इस संग्रहिया में एक बार डकैती हुई थी इनके घर में, और फिर परसों रात में एक प्रोफेसर साहब के मकान में हो गई। बाजितपुर में एक बार हो चुकी है, बयापुर में एक बार हो चुकी है, और आधार मोड़ में भी एक बार हो चुकी है। भैया, ये डकैत इतने बड़े पावरफुल तो नहीं हो जाएंगे कि पुलिस अगर चाह ले, पुलिस अगर सोच ले। कहां गए आईजी सदीप वामन राव लांडे? मैं आपकी बहुत सराहना करता हूं, मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूं, मैं आपकी बहुत बड़ाई करता हूं। आईजी साहब, आप जब आए थे तो आपने मुझसे कहा था कि पत्रकार साहब, एक महीने के अंदर सबको लपेट दूंगा, बॉर्डर इलाके में जो डकैतियां हो रही हैं इन सबको खत्म कर दिया जाएगा। आईजी साहब, आपको खुद आकर यहां पर कैंप करना पड़ेगा, समझिए। यहां पर थानेदारों से थानेदारी नहीं संभल रही है, यहां पर जो थानेदारों का जो गुप्तचर टीम है, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम लोग छोटे थे तो सुनते थे कि वो आदमी फला आदमी गांव में फला आदमी पुलिस वाले का भेदिया है। कहां है आपका भेदिया? आखिर पुलिस वालों का जो गुप्तचर हुआ करता था वो गुप्तचर कहां चला गया है? क्यों नहीं समझ पाते कि गांव में अचानक से खान पान किसका बढ़ गया? कौन सा व्यक्ति जो लफुआ है लफाड़ी है अचानक से वो मोटरसाइकिल या कार चढ़ने लगा है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके वेशभूषे बदल गए हैं, वो अचानक से पैसा वाला अमीर बन गया है, और उसकी खबर थानेदार क्यों नहीं रखते हैं? आज का जमाना बदल गया है, आज सोशल मीडिया का युग चल रहा है, आज का टाइम बदल चुका हुआ है। थानेदार महोदय, अगर आप थानेदारी वैसा करेंगे जैसा आप पहले कर रहे थे तब आप नहीं चलने का है। ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। डकैतियां सीतामढ़ी जिला में अक्सर होती हैं, लेकिन जाड़े के महीने में ये नया ग्रुप कौन सा आ गया है जो मोबाइल लेकर नहीं चलता, जो टावर डंप के सहारे नहीं चलता कि पुलिस पकड़ लेगी, बिना मोबाइल के चलता है ये ग्रुप। पुलिस के लिए चैलेंज है, पुलिस होती क्यों है? पुलिस वालों को सैलरी क्यों मिलती है? पुलिस वालों को तनख्वाह क्यों मिलता है? थानेदार क्यों आते हैं? इंस्पेक्टर क्यों होते हैं? डीएसपी क्यों होते हैं? एसपी क्यों होते हैं? और क्यों होते हैं ये चौकीदार जिनको मिलता है 50,000 रुपये का महीना? चौकीदारी कहाँ है आपकी? क्यों नहीं पता लगाते आप? और क्यों नहीं पूरे थाना वाले, पूरे थाना थानेदार चौकीदार जमादार हवलदार और जितने भी दारोगा है उन तमाम लोगों को डकैती के बाद सस्पेंड किया जाए? कैसे थानेदार चौकीदार होंगे? मैं समझता हूं कि आपको लगता होगा कि मैं बहुत बोलता हूं, और आप एक नॉर्मल लेवल के जहन से, नॉर्मल लेवल के मानसिकता से सोचते हो कि आपके थानेदारी में अब डकैतियां नहीं होंगी। आपको उन डकैतों से एक कदम आगे बढ़ना होगा थानेदार साहब, वरना डकैतियां होती रहेंगी। यहां पर कहा गया है कि लगभग ये मकान और ये एक सिविल सर्जन, जी हाँ, 2023 में सीहोर जिला से रिटायर हुए सिविल सर्जन डॉक्टर के घर में डकैती हुई, और दोनों मकान मिलाकर के लगभग 1 करोड़ रुपए का, कई सोने के असरफी, कई बड़े बड़े सोने चांदी के जेवरात। आप समझते हैं कि भूमिहार परिवार जो होता है वो सुखी संपन्न होता है, वो जमींदार होता है, उनके घर में परंपरागत जेवरात होते हैं, 4-5 मिनटों से जेवरात आ रहा होता है, वो सब कुछ लूट कर ले गए डकैत। ये सामने एक मकान है, यहाँ भी जब डकैत घुसे तो पीछे का दरवाजा तोड़कर घुसे, बाहर ही रहिए, हम बाहर ही बयान देंगे आपका। एक बार दीजिए, क्या नाम है आपका? विश्वनाथ सिंह। आपके यहाँ कब डकैती हुई थी? इधर देखिए, 27 के रात और 28 के सुबह, अप्रैल में सभी डकैत मुंह बांधे हुआ था, मेन गेट तोड़ करके अंदर घुस गया। हम सोए हुए थे, ऊपर का खिड़की खुला हुआ था, उसको बंद किया, हमारा नींद टूटा, तब तक दो आदमी दोनों साइड से पिस्टल भिरा दिया, और दो आदमी पिस्टल लेकर सामने खड़ा हो गया, और हम और वाइफ दोनों आदमी को वहां जो है सो नज़र बंद कर दिया, और क्या कहते हैं कि सारा सामान, चाबी मांगा, चाबी मांगने के बाद हमने चाबी उसको दे दिया, सारा जेवरात खोल करके करीब 8-9 आदमी के आसपास में लोग था, सब लोग का मुंह बंधा हुआ। उम्र कितना रहा सबका? उम्र सबका लगभग 18 से लेकर 25-27। जितनी भी डकैती हो रही सबका हुलिया वही है, सबका डकैती करने का तरीका वही है, वही तरीका है। लगभग 2:30 बजे के रात में आया,
और 4:15 डकैती करके घर से निकल। तो आपको मालूम था कि आपके पटेदार के घर में डकैती हो रही है? नहीं, हमको नहीं मालूम था। हम जब लगभग कितने का जेवरात ले गया आपका? हमारा जेवरात तो मैं पूछिए कितना का, सारा जिंदगी भर का कमाई ले गया। बाप दादा कभी रहा होगा? खानदानी जो था सो अपने ससुराल से मिला था सो, और जिंदगी भर जो कमाए थे थोड़ा थोड़ा जो अर्जित किए थे वो सब ले गया। अब क्या डर लगता है? अब डर तो इतना लगता है जो लगता है कि जो अब गांव छोड़ करके कहाँ जाएं और कहीं क्या कहते हैं जो गांव छोड़ कर। हम लोग MP MLA बनाते हैं करते हैं और जिस पार्टी का सरकार है उस पार्टी के हम लोग वोटर हैं, और पता नहीं इलेक्शन से पहले इतना बड़ा कुरकांड जो है सो करा दिया। किसने कराया नहीं कराया ये तो भगवान जानते हैं, लेकिन हम लोग तो विवश हैं। सरकार होते हुए भी सरकार हमारी सरकार है, हम उसके जनता हैं, फिर भी हम विवश हैं उसके सामने में। क्यों चाहिए? पुलिस क्या करता है? पुलिस जो है पुलिस तो निकम्मी है। पुलिस तो चूहा बन गई है पुलिस। तो 4:00 भोर में उसको मालूम हुआ, 9:00 सुबह में आई अपना एक फॉर्मेलिटी निमाह करके चली गई। आज तक कोई खोज खबर नहीं है, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो अभी तक हम लोग बेचैन हैं जो कहीं से कुछ सुराग मिले, लेकिन पुलिस वाले हाथ पर हाथ रख करके बैठे। मैं आपको अंदर लेकर जाता लेकिन अंदर जाने से लाइव कनेक्टिविटी टूट जाती है। काहे का पुलिस, काहे का थानेदार, काहे का इंस्पेक्टर, काहे का DSP, काहे का चौकीदार? खत्म करिए भैया। जब आपसे डकैत पकड़े नहीं जाते आप कहेंगे लगा हुआ हूं, बात कर रहा हूं, धड़ रहा हूं, अब पकड़ूंगा, कब पकड़ूंगा, कैसे पकड़ूंगा, काहे को है आप लोग। और आपसे जब नहीं पकड़ाएगा तो गांव वाले खुद ही तय करेंगे। छोड़ दीजिए इन लोगों का सहारा पुलिस वालों का, अपने गांव में नौजवान लड़कों की टीम बनाइए, उस टीम की सूचना जाकर के थानेदार को दीजिए, SP साहब से मिलिए, DSP से मिलिए, कहिए कि ये 10-20 नौजवान हमारे गांव में खुद पहरा करेंगे, ये इन लोगों का नाम है, इन लोगों का आधार है, और अलग अलग घंटे बांध करके पहरा करिए, हाथ में लाठी रखिए और पता लगाइए। ऐसा नहीं है कि कोई किसी राह किसी मुसाफिर को किसी भटके हुए आदमी को पीट दीजिए, समझ में आ जाए कि डकैत है तो उसको घेरिए पकड़िए और पुलिस को सूचना दीजिए, और वीडियोग्राफी जरूर बनाइए, क्योंकि कभी कभी आप फंस जाते हैं। बस कानून को हाथ में नहीं लेना है, और आप समझ लीजिए कि आप सीतामढ़ी में नहीं है, आप चंबल में रहते हैं, इधर कुछ नहीं होने वाला है। पुलिस से, थानेदार से, SP साहब से, DSP से, किसी से भी कुछ भी नहीं होगा। अब मैं समझता हूं, मैं भी बोल रहा हूं, कल होके मुझको भी लपेट दिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। चलता हूं तो भय रहता है, लेकिन आपके आशीर्वाद और आपकी दुआओं के बदौलत मैं बोलता हूं और बोलता रहूंगा। जिंदगी एक जंग है, जीत गए तो बादशाह, हार गए तो मौत। इसलिए बोलता रहूंगा सच के लिए और बेकसूर कमजोरों के लिए, निहत्तों के लिए। मैं समझता हूं कि ये लोग धनी मनी लोग हैं, जमींदार लोग हैं, लेकिन जब इनके घर में डकैत आते हैं तो ये कमजोर और बेबस लाचार हो जाते हैं। छोटी सी मासूम बच्ची है, ये बता रही थी कि अंकल जब डाकू आए थे तो मुझको भी डांट रहे थे, बोल रहे थे कि बच्ची को उठा कर ले जाएंगे। मैं डरी, मैं बहुत डर गई थी। इसने कहा कि अंकल डाकू से बोलिए, पुलिस अंकल को बोलिए कि मेरे मम्मी का जेवर मांग कर ला दे। क्या हुआ था बेटा जब डाकू आए थे? तो डाकू आए थे तो मेरे पापा मम्मी का सब सामान ले गए। सब सामान ले गए? पापा को मार भी रहे थे? अच्छा, तो आप क्या कहती हैं? मैं तो अभी कुछ नहीं कर रही थी। पुलिस वाले से कुछ बोलना है मम्मी पापा के जेवर के लिए? क्या कि मेरे पापा का डाकू सब सामान ले गए और मम्मी का वापस चाहिए सामान। आप डर गई थी उस दिन? सोचिए कहाँ है हम, चंबल जैसे हालात। जब से सीतामढ़ी में पुराने थानेदार बदले गए हैं, ये सारे नए थानेदार जब से आए हैं, मानो निकम्मों की फौज आ गई है, मानो जिला चंबल के हवाले हो गया है, मानो गुर्जर का राज हो गया है। मैं अंदर जा सकता हूं, अंदर जाकर दिखला सकता हूं कि इस घर में भी डकैती हुई। अब इसके बाद मैं चलूंगा वहां जहां डकैती परसों रात में हुई है। गर्मी बहुत ज्यादा है और मुझे मेरा काम, आइएगा थोड़ा बाहर, यहाँ बताइए।
अंदर जाने से इस गांव में कनेक्टिविटी कमजोर अथवा आ गया जी। कथी नाम हमें यहाँ के बीवा कुमारी डकैती हुआ चक्ता, तो आपको भी डकैत लोग पकड़े हुए थे, दोनों आदमी थे, पूरे जीवन भर का कमाई ले गया, सब ले गया। कभी ऐसा हुआ था आपके पूरे जीवन काल में जब से आप शादी करा के आई तब से? नहीं, सब जेवर ले गया, सारा कुछ ले गया, बहू बेटा सबका सब कर ले गया। एकदम बेबस थे उस वक्त? बहुत बेबस थे। पुलिस कुछ कर रही है कि नहीं? कुछ नहीं कर रही। किसके पास ये रोना ये फरियाद कहाँ जाएगा? सरकार, सिस्टम, पुलिस? जाना तो चाहिए सरकार पर ही, सिस्टम को तो सरकार ही न चलाएगी। अच्छा, आप जब शादी करा के यहाँ से यहाँ आई, 50 साल हो गया होगा आपको, लगभग 40 साल हो गया होगा, 45 साल हो गया, तो इस बीच में कभी इस गांव में डकैती हुआ था क्या? नहीं, जब एक बार हुआ था गांव में, जब हम लोग यहाँ नहीं थे, हम खुद सर्विस में थे। अच्छा। तो हम सुरसंज में रहा करते थे, तब रामचंद्र बाबू के घर में हुआ था, सुने थे लेकिन देखे नहीं। कितने साल पहले? कितने साल हो गया होगा? सुने थे लेकिन देखे नहीं। अब जब डकैत आपके सामने खड़े थे तो क्या कर रहे थे? हम लोगों को दो आदमी पिस्तौल गिराए हुए थे और दो आदमी और थे, और एक आदमी जो था तो हमारा अलमीरा और ये सब तोड़ करके जेवर सब ले रहा था, पैसा वैसा ले रहा था जो घर में रखे थे, बोरिंग कराने के लिए लाए थे सब ले लिया था। और उधर एक मेरी बड़ी बहू के घर में और एक छोटी बहू के घर में था, उसको हम नहीं देख पाए क्योंकि घर के में पर्दा लगा हुआ था, बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था, इसलिए उधर। ये सिविल सर्जन का मकान है? नहीं, ये नहीं है। अच्छा, वो मकान है सिविल सर्जन साहब का। हमारे हस्बैंड WHO से है थे। अच्छा, WHO थे आपके साथ, आपके हस्बैंड? हम, मैं ANM है, रिटायर्ड ANM। ये हालात है, फैमिली को टारगेट करते हैं। तो ये लोग अमीर सुखी संपन्न फैमिली को टारगेट करते हैं, अधिकतर भूमिहार परिवार के लोग टारगेट हुए हैं। लोग बोलेंगे कि सलमान आपने इसमें नया एंगल निकाल दिया। भैया, हम तो एंगल पर ही काम करते हैं। अधिकतर बड़े जाति के लोग जो सुखी संपन्न होते हैं, अब तक जितनी भी डकैतियां हुई उसमें लगभग 6 लोग। अच्छा, कुछ ग्रामीण आपका घर कौन हुआ? अच्छा, कुछ ग्रामीण से पूछिए, कुछ बताइएगा इस जगह के बारे में। हमको तो वहाँ से बहनोई फोन किया 4 बजे भोर में, ये डकैती हो रहा है घर में, आप उठिए, मालूम हुआ है। हम लोग तो सोए हुए थे, कोई जानकारी नहीं थी, उठ करके आए, तब तक में जो है उनका मैनेजर जो रहता है वो गेट उठ खोला, यहाँ पर आए तब तक में लोग सब जुटा, तब तक तो डकैत भाग चुका। पुलिस कब आई? पुलिस तो आई 9 बजे। डर लगे की? सरकार अबे अपन, अब तो मोदी जी भी आ गए, फिर तीसर बार आ गए है, और आई जी साहब है सिद्दीप वामन राव लांडे, 6 फीट के आदमी है। कल भी छीन लिया है, दिन में छीन लिया, मैंने आगे 9 दिन छीन लिया, कल दिन में पैसा लेकर दूर के व्यापारी है, पैसा लेकर दसा रहा था, आपाती से भी समझता मिला दिया, दिन में 9 दिन। सीतामढ़ी है कि चंबल है? नाम बदल गया है, चंबल है। जब पुलिस डाकुओं के सामने, पुलिस भी बगले में, मानो के डाकू बिल्ली बन जाए और पुलिस चूहा बन जाए, जब मानो के डाकुओं का आतंक मच जाए, जब मानो के लोगों का जीना हराम हो जाए, जब मानो के चारों तरफ कोहराम मच जाए, जब मानो कि आपके हालात, आपका भय आपके सर पे चढ़ के तांडव करे, जब मानो कि 10 से 15 लोगों की टोली जो डकैती करती है और पूरे पुलिस बल को, पूरे जिला पुलिस को अंगूठा दिखाए, तब आप समझिए कि आपका इलाका सीतामढ़ी जिला नहीं बल्कि ये चंबल हो गया है, और चंबल में डाकुओं का राज चलता है। मैं अक्सर पुलिस की तारीफ करता हूँ जब वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन जब से ये निकम्मे लोग नए ट्रांसफर होकर सीतामढ़ी जिला में आए हैं और जब से पुराने लोगों की टीम गई है, तब से ये पूरे पूरे जिला की निकम्मी पुलिस
आईन थानों के थानेदार अपना निकम्मापन छिपाने के लिए कहते हैं कि मैं अब पकड़ लूंगा, मैं तब पकड़ लूंगा, आप कब पकड़ लोगे। जब लोगों का जख्म खत्म हो जाएगा, जब लोगों की वेदनाएं खत्म हो जाएंगी, जब लोग अपनी कहानियों को, अपने दर्द को भूल जाएंगे, लानत है ऐसे सिस्टम पर और लानत है ऐसे पुलिसगिरी पर। मैं समझता हूं कि जिस इलाके में डकैती हो, आज ही साहब को चाहिए कि उस इलाके के थानेदार को तुरंत पूरी टीम को सस्पेंड करे। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही हैं तो हमारे इस पेज को अभी लाइक करिए, कमेंट करके बताइए क्या मैंने सही कहा। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, आप अपने अपने घरों के जो पिछले गेट होते हैं उसको मजबूत करिए, उसमें कमरबल्ला जो ऐसे लगाते हैं उस कमरबल्ला को भी लॉक करिए, लॉक सिस्टम बनाइए, वो नीचे से बाहर से ऐसे लगाते हैं और निकाल लेते हैं। आप अपने दरवाजों को बंद करिए मजबूती के साथ, क्योंकि इन डाकुओं के नजर में एक भी ऐसा घर नहीं है जहां उसने प्रयास किया और वो घुस नहीं पाया। उनके पास इतना औजार होता है, इन लोगों ने बताया मेरे को, तो वो चीज समझिए, वरना कब अगला नंबर आपका। एक बात और है, जिस गांव में एक बार डकैती हुई वहां दूसरी बार भी डकैती होगी। कैमरे के पीछे अब्दुल्ला, अरशद सलीम, अरबाज, बियों सिंह राजपूत, दिलशाद और सरोज काम कर रहे हैं। धवाई सभ्या न्यूज सीतामढ़ी जिला के सहिया थाना क्षेत्र के सिंगरहिया से ये रिपोर्टिंग कर रही है। अब मैं जाऊंगा उनके मकान पे जिसके मकान में परसों डकैती हुई और इस डकैती के क्रम में एक व्यक्ति के सर में गोली मारा गया है। न मैं स्याही का दोस्त हूँ, न सफेदी का दुश्मन हूँ, आईना वाला हूँ, आईना दिखाता हूँ। जिंदगी एक जंग है, जीत गए तो बादशाह, हार गए तो मौत पर बिलीव करता हूँ। डरता नहीं हूँ चूंकि अपने काम में बिलीव रखता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया।